चुके हैं, लाइक कल ही पहुंच गए थे पर बहुत टायर्ड थे तो हम कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, बस ऐसे एक नॉर्मल वॉक करके हम सब सो गए। तो अभी वी गॉट अप फ्रेशली और हम सोच रहे हैं अभी कहाँ कहाँ जाएँ। तो हम सोच रहे हैं मॉर्निंग पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, थोड़े गोवा के लुक में चेंज हो गया, एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो, आई डोंट नो, विल सी। तो अभी तो हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग ना प्रवीण, कहाँ, वेयर आर यू? वी आर गोइंग शॉपिंग। हाँ, सो लेट्स गो गाइस। If you guys are crazy shopping like me और आप लोग best and cheap and best place ढूंढ रहे हो in Goa, तो definitely I'll suggest you guys, recommend you guys to go to Anjuna. Like वहाँ पे आप अगर मस्त वाली bargain करेंगे तो आपको बहुत प्यारा क्वालिटी की ड्रेसेस बहुत चीप प्राइजेस में मिलेंगे, लाइक 300-400 के रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे विद नाइस क्वालिटी आपको वहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल होंगे, एंड वेन डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे बैग्स, ड्रीम कैचर्स एंड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, इवन चेन फॉर लाइक यू नो और थिन चेन्स गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अवेलेबल है, एंड दैट्स आई थिंक 100 या 150 का मैक्सिमम, चाहे आप लोग बड़ा ले लो या छोटा। देन वहाँ पे ड्रेसेस लाइक वन पीस एंड फ्रॉक्स एंड यू नो शॉर्ट्स लाइक बहुत सारे, एंड लाइक दे वो लोग बोलेंगे 800 बट यू गाइस कैन बार्गेन, मतलब बार्गेन अच्छे से करना होगा आपको, एंड इवन डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स आपको वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। तो मैंने ये ग्रीन बैग लिया एंड गेस वॉट, मुझे इसे 500 में मिला था। इवन आपको क्रिस्टल स्टोन का भी शॉप अंजुना में मिलेगा, लाइक थोड़ा डीप अंदर जाके, लाइक यू नो आप लोगों को तो स्टोन का पता ही होगा, लाइक बिलीव होता है कि अगर उसे आप घर पे रखो तो आई मीन पीस, फॉरगिवनेस, लव सिंपल, पॉजिटिविटी, इट रिमूव्स नेगेटिविटी। तो लाइक बहुत सारे डिफरेंट स्टोन्स वहाँ पे अवेलेबल थे जो यूजली हमें बहुत कॉस्टली मिलते हैं स्टोन्स, बट इस शॉप में मुझे बहुत बेस्ट प्राइस लगा, रीजनेबल प्राइस लगा। देन इवन गाइस के टी शर्ट्स एंड शर्ट्स भी वहाँ पे लाइक 200-250 मैक्सिमम में, मतलब अगर बार्गेनिंग आप अच्छे से करो तो बहुत मतलब मस्त था क्वालिटी। बहुत बॉयज़ कलेक्शंस भी मुझे वहाँ पे थोड़े बेटर ही लगे, लाइक गोवा में अगर जा रहे हैं तो मुझे लगता है गोवा के थोड़े ड्रेसिंग सेंस में बदल ही जाना चाहिए। बेस्ट आई मीन ब्रेकफास्ट गोवा में आई ऑलवेज रिकमेंड वड़ा पाव। लाइक अगर आप गोवा गए वड़ा पाव नहीं खाया कैसे चलेगा, लाइक कोई भी लोकल जो साइड रोड साइड शॉप होते हैं आई थिंक सब में वड़ा, मोस्ट ऑफ द शॉप्स में वड़ा पाव अवेलेबल होता है। एंड गाइज आई थिंक मुझे लगता है सारे शॉप्स का वड़ा पाव अवेलेबल, मतलब बहुत यम्मी होता है, तो यू गाइज कैन ट्राई एनी वेयर। तो मैंने ये अंजुना के पास ये वड़ा पाव का स्टॉल था जहाँ से हम लोग ने ट्राई किया, लाइक वहीं रोड साइड में आपको डाइनिंग वाइनिंग सब छोटा सा लाइक लोकल टाइप, तो मुझे ये बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट लगता है। तो आई विल रियली सजेस्ट कि आपका बजट थोड़ा टाइट है या ऐसे नो थोड़ा रोड साइड का कुछ खाने का मन, तो डेफिनेटली यू गाइस शुड ट्राई वड़ा पाव। दिस प्लेस इज लोकेटेड नियर बागा राइट ऑन द मेन रोड। लाइक इसका इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, फूड क्वालिटी इवन प्राइसिंग वॉज ऑल्सो ओके। तो अगर आप लोगों गोवाना फूड ट्राई करना है, आपको गोवा का फूड थोड़ा, तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है ट्राई करने का, लाइक इवन ड्रिंकिंग एंड द फूड बोथ वेयर अवेलेबल। तो अगर आपको नॉनवेज की क्रेविंग एंड सी फूड की क्रेविंग है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस कासा गोवाना। तो लाइक मतलब मुझे वहाँ का ज़्यादा प्रॉन फ्राई एंड चिकन वॉज ओके बट प्रॉन आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट गोवाना प्रॉन में। अगर आपको कुछ सी व्यू रेस्टो बार ट्राई करने हैं ना, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू गाइज टू ट्राई दिस फ्रेंड्स कॉर्नर जो कैलिंगेट बीच में था। लाइक लाइव म्यूजिक, फूड एंड ड्रिंक, आपको ऑल ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज की गो टू दिस फ्रेंड्स कॉर्नर। इसमें आप आई थिंक मतलब बहुत आराम से सी देख के यू नो ड्रिंक करना एक अलग ही मज़ा है। तो आई लाइक मतलब मैं आपको यही डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी बिकॉज इसके स्टाफ्स वर आल्सो सो गुड। ये आपको लाइव फिश एंड प्रॉन्स पहले दिखाएंगे एंड यू गाइस कैन सेलेक्ट कि आपको कौन सा टाइप एंड क्या वैरायटी चाहिए, एंड देन सेम वन दिल फ्राई एंड दिल गिव यू लाइक, एंड द फूड क्या बोलूँ, द फूड ऑल फूड वेयर यमी एंड टेस्टी, लाइक बहुत अच्छा था, फैबुलस प्लेस फॉर अ ड्रिंक एंड फूड आई रियली सजेस्ट। तो अगर आपका बजट थोड़ा अगेन लाइक मुझे प्राइस भी इसका ओके लगा, तो अगेन सेम थिंग ये बहुत बड़ा मुझे बहुत बजट फ्रेंडली लगा, एंड द टेस्ट लाइक क्या बोलूँ टेस्ट, आई एम स्टिल इन लव विद दैट गाउन का, आई थिंक गाउन फिश आई मीन प्रॉन फ्राई आई थिंक वी ट्राइड एंड द फिश वन ऑल्सो।
अंजुना बीच, दिस बीच इज फेमस फॉर इज स्टनिंग एम्बियंस, सो आई सजेस्ट यू गाइज विजिट इन द मॉर्निंग टाइम अंजुना. लाइक उसमें आप ना शॉपिंग, वाटर राइड्स, इवन लाइव म्यूजिक विद रेस्टोरेंट सब इंजॉय कर सकते हो. तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स ऑप्शन भी अवेलेबल था, लाइक पैरासेलिंग बनाना, बोट्स स्पीड बनाना. तो लेकिन आई चूज जेट स्की. लाइक 500 पर हेड दे चार्ज यू, बट मुझे इसका ये चीज लगा कि थोड़ा मुझे और बड़ा राउंड लेके जा सकते थे. बहुत छोटू सा राउंड लेके गए एंड देन यू नो लेके आ गए. बट ओवरऑल मुझे राइड सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटिंग लगा. बट हाँ, थोड़ा सा और बड़ा देते थे तो अच्छा होता. देन नेक्स्ट बीच बागा बीच. अगर आपको यू नो नाइट डिनर करने का मन है, बहुत लाइट्स एंड ऑल बहुत पसंद है बीच साइड, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू गाइस कि गो टू बागा बीच. लाइक वहाँ का सेम एम्बियंस, इवन इन द क्राउड जो लाइट लाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिजाइन करके रखे थे, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा. तो येस, अगर आपको नाइट टाइम लाइक नाइट लाइफ आपको इंजॉय करना है गोवा का, तो आई से यू बागा बीच. वहाँ पे लाइक बाय वॉक हर एक स्ट्रीट में नाइट नाइट क्लब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. लाइक सबके ऑलमोस्ट चार्जेस 2 to 3K ही होते हैं. लाइक पर हेड 15,000 to 1,500, कपल है तो 2,000 आई गेस. तो वहीं पर स्ट्रीट वॉक आप जाओ तो आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे. तो सो वहाँ पर जहाँ उस टाइम आपको जो भी हैपनिंग और बजट फ्रेंडली लगे, यू गैस कैन जस्ट गो एंड एन्जॉय इट. लाइक सब ऑलमोस्ट स्ट्रेंज, तो मुझे जहां तक लगा सबका, मुझे लाइक मैं हर मैंने बहुत में पूछा तो ऑलमोस्ट सबका मुझे रेंज इतना डिफरेंस नहीं लगा. तो बस उस दिन जिस दिन भी आप प्लान करोगे जाने का, देख लियो कौन सा हैपनिंग है एंड यू गाइस कैन जस्ट एंटर एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट. इन द थर्ड बीच, मेरा फेवरेट बीच. लाइक अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि मुझे कौन सा बीच सबसे बेस्ट लगा, तो मैं बोलूँगी कैलंगूट बीच. बिकॉज मुझे ये बहुत पीस, काम, और यू नो आई थिंक इसमें मैं तो आई थिंक आज एंड आज स्पेंड कर सकती हूँ. लाइक हम अब बिलीव नहीं करोगे, हम आई थिंक अराउंड 12 o'clock बाई नून गए थे इस बीच में. एंड हम लोग ने फ्रेंड्स कॉर्नर में लाइक एक उसमें बैठे थे फ्रेंड्स कॉर्नर में, एंड वी वर सिटिंग टिल द इवनिंग. पूरा हमने सनराइज देख के एंड टिल इवनिंग अराउंड 7:38 वी लेफ्ट फ्रॉम दिस बीच. लाइक मुझे बीच बहुत काम, पीस, बहुत अच्छा लगा. तो लाइक अगर आप लोगों को भी ऐसा मतलब इफ यू गाइज आर ऑल्सो लुकिंग ना कि कुछ अच्छे से टाइम स्पेंड करने का, माइंड फ्रेश करना है, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू गाइज टू गो टू कैलंगूट बीच. दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन लाइक मिल जाए. एंड यू गाइज वेन यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग, यू गाइज कैन यू नो इट बी ईजी फॉर यू गाइज टू लुक फॉर न्यू प्लेसेज इन गोवा. तो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा होगा तो डोंट forget to like, subscribe and hit the bell icon. Ta-da!